रांची लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार संजय सेठ के नामांकन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए, जहां नॉमिनेशन से ठीक पहले रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सहित तमाम बीजेपी नेताओं ने जमकर हुंकार भरा और 400 से पार का दावा किया। वहीं सभा के बाद नॉमिनेशन करने पहुंचे संजय सेठ ने अपने समर्थक और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मोरहाबादी से उपायुक्त कार्यालय तक नॉमिनेशन करने के लिए रोड शो भी किया। बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ ने पुष्कर सिंह धामी और आसू सुप्रीमो सुदेश महतो, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो और अपने प्रस्तावकों के साथ नामांकन कार्यालय पहुंचकर नामांकन किया। नामांकन के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए संजय सेठ ने कहा कि देश भर में लोग मोदी की गारंटी पर विश्वास जता रहे हैं। आगामी 4 जून को देश की जनता 400 से पार सीट से भाजपा की सरकार बनाएगी। वहीं संजय सेठ के नामांकन में रांची पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में एक बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए जनता तैयार है और झारखंड में भी 14 सीटों पर बीजेपी का परचम लहराकर एक देश एक कानून बनाने में सहयोग करें। जी, झारखंड और उत्तराखंड दोनों अटल बिहारी वाजपेयी जी के कालखंड में बने हुए राज्य हैं और उत्तराखंड में जहां आज देश का पहला राज्य होने का उत्तराखंड को ये गौरव प्राप्त हो गया कि उत्तराखंड में यूसीसी का विधेयक बन गया है। राष्ट्रपति महोदया ने भी उसको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है और ये यूसीसी चूँकि पूरे देश की मांग है, पूरे देश आज समान नागरिक संहिता की ओर, समान कानूनों की ओर, नारी सशक्तिकरण की ओर और ये आधी आबादी का पूरा कानून है। ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकली है और गंगोत्री गंगा भी उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है। उसी प्रकार से समान नागरिक संहिता की जो गंगोत्री उत्तराखंड से निकली है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में इसको पूरे देश के लिए आगे के संकल्प में प्रस्तुत किया गया है। निश्चित रूप से देश इसकी प्रतीक्षा कर रहा है और देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, ये सबका मत है। तो जिसके कारण से झारखंड जैसे राज्यों में भी जो आज घुसपैठ की समस्या है, डेमोग्राफिक चेंज की समस्या है, तमाम प्रकार के जो आज परिवर्तन हो रहे हैं जो आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है, उन सब पर रोक लगेगी। इससे यूसीसी और पूरे देश के अंदर जाएगा। एनडी गठबंधन के लोग जो भी ये गठबंधन बनाया है, मैं एक बात तो पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि ये गठबंधन कोई सरकार बनाने के लिए नहीं है, क्योंकि सबको पता है सरकार पूरे देश की जनता मोदी जी की बना रही है। जिस प्रकार से लोग आज स्वयं इस चुनाव को अपने हाथ में ले चुके हैं, ये गठबंधन अपने परिवारों को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए और अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए है। लेकिन इस बार इनका ये अस्तित्व बचने वाला नहीं है, जनता इनको पूरी तरह से उखाड़ फेंकने वाली है। न्यूज विंग के लिए रांची से रफी समय की रिपोर्ट। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ। इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।